हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। अगर आप रिजल्ट की वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों, इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें अगर आप रिजल्ट चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको KVS के बारे में बता देता हूँ। काफ़ी फ्रेंड्स के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि KVS है जो, उसकी आंसर की चैलेंज की जाए या नहीं की जाए। मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि जो KVS है, आपने CTET में भी देखा होगा, जो CTET में आंसर चैलेंज किए गए थे तो उनका कोई बेनिफिट नहीं मिला। और जहां तक है KVS है तो KVS में ही ये चीजें रहने वाली हैं। हालांकि एक या दो नंबर का बेनिफिट मुश्किल से मिल सकता है, जो मेरा व्यू है। और आपकी राय है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या करते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही है कि जहां तक है KVS कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं देने वाला है। इसके बाद साथियों, बात करते हैं हम DSSB की, जिसका सभी वेट कर रहे हैं। और DSSB में क्या सिचुएशन हो रही है, आप देख सकते हैं कि ढुलमुल रवैया अभी भी जारी है। आपको पता है कि लास्ट वीक हमने विजेंद्र गुप्ता जी से मीटिंग करी थी, तो उसके बाद विजेंद्र गुप्ता जी ने जो DSSB मैम है, गीतांजलि मैम, उनको डायरेक्टली कॉल किया था। और इसके बाद DSSB ने क्या जवाब दिया था कि सबसे पहले अभी हम स्पेशल वालों का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी आ जाएगा। उन बातों को एक सप्ताह हो चुका है, लेकिन DSSB ने अभी कोई स्पेशल के रिजल्ट के बारे में सोचा भी नहीं है। वो बोल रहे थे कि रिजल्ट तैयार है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इसके बाद DSSB के अभी PGT के भी काफी रिजल्ट रह रहे हैं, और TGT में तो बहुत सारे रिजल्ट हैं, मेल फीमेल हिंदी हिस्ट्री लगा के बहुत सारे रिजल्ट रहते हैं। और बात करें फिर PRT की, तो PRT तो अभी बहुत दूर की बात है। अगर यही रवैया जारी रहा DSSB का, इस अकॉर्डिंग क्या है कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले रिजल्ट आने वाला है। तो साथियों, इस रिगार्डिंग जल्दी ही कल मैं अपने साथियों से बात करने वाला हूं और जल्दी ही कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग घर से नहीं निकलते, और यही कारण है कि 50-60 की भीड़ को देख के कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी DSSB ऑफिस वाला देखता है कि ये बहुत कम संख्या है, ये क्या करेंगे। तो साथियों, आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब की बार अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो आगे से हम भी सब कुछ करना बंद कर देंगे। ये लास्ट एंड फाइनल होगा जो भी कुछ होगा, और अब की बार कोई बड़ा स्टेप लिया जाएगा तो आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो प्लीज सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं बहुत जल्दी, और जिस हिसाब से DSSB वर्क कर रहा है उस अकॉर्डिंग रिजल्ट इलेक्शन से पहले बिल्कुल नहीं आ रहा। तो साथियों, कल मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं मेरे, जो मेरे साथी हैं, उनसे बात करूंगा, धैर्य जी से बात करूंगा कि आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं। तो आप लोगों का जब सहयोग की जरूरत होगी तो आप जरूर सहयोग करें, जिससे कोई भी अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। तो साथियों, आप रेडी रहें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।